नायाब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे इधर बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं। ये देखिए, ये है आइसक्रीम स्टोर है। आइसक्रीम स्टोर के बगल में एक ये पूरा टर्किस है, ये पूरा टर्किस है। टर्किस में जो तुर्की बोलते हैं, तो टर्की में इस टाइप से कॉफ़ी बनाया जाता है। रेत को गर्म करके कॉफ़ी को उबाला जाता है। हम जो कॉफ़ी गैस पे स्टोव पे बनाते हैं उस हिसाब से नहीं, इधर रेत पे सैंड को गर्म किया जाता है, उसके बाद उस पर उबाला जाता है, और उबाल के बाद आपको डायरेक्ट दी जाती है। वो भी नहीं है कि भैया इसमें निचोड़ा जाता है ये वो, कुछ नहीं, बस मिक्स करे चलता रहता है। ये देखिए, ये एक शहद है, मतलब हनी है, हनी की शॉप है। ये अरबिक नहीं है, इसने लिबास अरबिक पहना है, बट वो अरबी नहीं है, वो इधर का ही है, लोकल नहीं है, मतलब कहा जाता है। ये देखिए, ये हनी के सब वेराइटीज़ हैं, सब हनी है, अलग अलग टाइप के हनीज हैं। आपको जैसा भी चाहिए उधर से आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से है, काफ़ी चीज़ें हैं, चलते हैं आगे, देखते जाते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें मिल रही है। मैंने सोचा नहीं था ऐसी भी चीज़ें होती हैं, और शायद हमने कभी देखा भी नहीं है कि भी ये चीज़ें हैं ऐसी, इतनी बेहतरीन चीज़ें, और हर चीज़ ऐसी बनी है कि आपको पसंद आ ही जाएगी। और इधर मैं तो सोचता हूँ, यदि आप इधर शॉपिंग करने बैठो तो आपके पास जितने भी पैसे होंगे कम पड़ जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी। आपको हर चीज़ इस टाइप से, मुझे जो अभी तक दिख रहा है उस हिसाब से, तो मैं शायद 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 ही आपको बता सकता हूँ, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ख़रीदने का मन ना हो, शॉपिंग करने का मन। ये देखिए, बीच में गली है, जैसे हमारे गाँव में गली होती है बीच में, तो वैसे ही गलियाँ बनी हुई है। और ये देखिए, सब चीज़ पुरानी है, पूरी अंगूठियों की है, सब अंगूठी है, स्टोन में अंगूठी बनी है। पुराने जो किंग होते थे, राजा है, उसके किंग के चेहरों से मुकुटों का पूरा बनी होती है, पूरी अंगूठियाँ। ये चीज़ें भी है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। जब ये दुबई में कुछ ही लोग थे, जब डेवलप भी नहीं हुआ था, पूरा रेत रेत ही था, उस टाइम की चीज़ें ये सब चीज़ें। उस टाइम में जो अरबी यूज़ करते, अरबी लोग यूज़ करते हैं। अब हम जो जा रहे हैं वो एक लाइटिंग की दुकान है, लाइटिंग का एक झूमर जो होते हैं, हम इंडिया में अपने झूमर रखते हैं, और यहाँ तो एक अलग टाइप की झूमर बनाए जाते हैं, लाइटिंग के बल्ब की टाइप के झूमर बनाए जाते हैं, और वो भी डेकोरेटिव होते हैं। देखिए, पूरा स्टोन से बना है, अलग अलग स्टोन से, स्टोन से बना हुआ है। ये देखिए, पूरा देखिए, इतना सुंदर, बहुत सुंदर प्लेटें बनी हुई है, पूरा डेकोरेटिव है। अपने घर को सजाने के लिए यदि आपको चाहिए, तो आदमी कोई भी आएगा लेके ही जाएगा, इतना मस्त चीज़ है। ये स्टोन है, ये चमकीला स्टोन है, यहाँ पे अरबिक कंट्री, जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री में ये सब चीज़ों को काफ़ी मानी जाती है, अच्छे सुकून के लिए मानी जाती है, कि भाई ये चीज़ें होती है घर में तो पॉजिटिविटी आती है, उस टाइप से बनी हुई है। ये स्टोन है, ये स्टोन ही है, पूरा स्टोन का अलग अलग स्ट्रक्चर है दिया हुआ, जो नेचुरली मिलता है, बहुत कम जगह हो, रेयर जगह मिलता है उस टाइप से। और अब मैं बताने रहा हूँ कि टर्टल, ये देखिए कितने सुंदर है, इतने सुंदर टर्टल कभी मैंने कहीं नहीं देखा है, कितने बेखूबी से बनाया हुआ है। अब बस देखिए, इतना सुंदर लग रहा है, जैसे जिंदा हो, ऐसे टर्टल जिंदा हो तो कितना मज़ा आ जाए देखने को भी, ऐसा मन करता है। और ये पूरा स्टोन ही है, पर अलग अलग बनाया हुआ है, अलग अलग मिलता है, ये डायरेक्ट नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियली नहीं बनाया हुआ, पूरा नेचुरल ही है, कुदरत से मिलता है, और वही को तराश के ऐसे डिज़ाइन वगैरह सब दिए जाते हैं। तो ऐसे ही है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। मैंने भी देखा, अभी आप घर का लुक देखिए, आप
आपको एक व्यू दिखा होगा, सिर्फ एक व्यू आप देखिए, ऐसा व्यू हो आपको कितना सुंदर लगता है, माशाल्लाह कितना सुंदर है। आप देखिए, अभी मैं कैमरा ऊपर करूँगा, ये देखिए, ये देखिए, ये लुक क्या लगता है। ये ऐसे झूमर होते हैं इधर, यहाँ ऐसे झूमर चलते हैं, हेरिटेज टाइप के झूमर हैं। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती से बनी हुई चीज़ें कि पूछो मत यार। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। आगे रेस्टोरेंट और काफ़े दिखाया गया है कि आगे आपको रेस्टोरेंट और काफ़े मिल जाएंगे। यदि आपको खाना कुछ है तो काफ़े भी है, और इधर आपको एटीएम भी है, हेरिटेज है, लेकिन एटीएम भी इधर लगे हुए हैं। और एटीएम के साथ यहाँ पे आपको ये स्टेयरकेस है, इलेक्ट्रॉनिक है। इधर नीचे पूरा, यदि आपके पास कार है तो पार्किंग है, पार्किंग की जगह, वहाँ से आप पार्क करके इधर आ सकते हैं एक्सीलेटर के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, ये आपको फिर से एक नई जगह है जहाँ पे पूरा ओल्ड है, पुराना ओल्ड है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है यहाँ के किंग की, शेख मोहम्मद की, जिसका नाम तो काफ़ी लंबा है, पूरा नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको शेख मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट किंग वही है, तो भी वही है। तो ये आप देखिए कितनी सुंदर चीज़ें, ये पुराने टेलीफोन है, टाइपराइटर है, बॉक्सेस है, जो हमारे पेटियाँ होती है बुज़ुर्गों के पास होती है, आज भी काफ़ी बुज़ुर्गों के पास होती है, लेकिन अभी बहुत कम होगी। बाकी ये देखिए, ये भी एक शेख है, और दूसरे पेंटिंग्स वगैरह सब भी है। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें होती है, काफ़ी महंगी तो होती है, पुरानी होती है, ओल्ड इज़ गोल्ड ऑलवेज, तो फिर काफ़ी चीज़ें ये पुरानी है मानते हैं। देखो ये इधर का खंजर है, इस टाइप के खंजर यहाँ चलते, वैसे ओपन होता नहीं है कभी, लेकिन एक किधर का गलती से रह गया होगा, वरना इधर इसको वो किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, वैसी चीज़ें लिए। और बाकी सब देखिए, ओके, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है, दिए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको देखते ही आपका मन ललचा जाए कि भाई चलो ले लेते, अच्छा है। ये देखिए, ये एक डिज़ाइन है, आर्ट है, डोर का आर्ट है बनाया हुआ, देखिए स्मॉल पीस में बना हुआ है, लेकिन इस टाइप के इधर डोर यूज़ होते हैं, मतलब जो किंग थे, पुराने किंग थे, उसके जो दरवाजे वगैरह सब इस टाइप के बने हुए होते थे। ये पूरा मार्केट है, अभी आप देख रहे हैं पूरा मार्केट है, इधर आपको सब चीज़ें, कपड़े हैं, कपड़े मिलेंगे, खाना है तो खाने के लिए होटल्स भी होते हैं, काफ़ी कैफेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि आप घूमने या मेरे ख्याल से इसमें चक्कर लगाने के लिए निकले, तो मैं नहीं मानता कि आप 2-3 घंटे से पहले रिटर्न आ सकते हैं, कि इतना अभी तो हम ज़्यादा आगे गए भी नहीं, बहुत नज़दीक ही है, थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। चीज़ें ये है, ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ही है पूरा। जी का चिराग है, तो जा रहे हैं स्टारबक्स, स्टारबक्स कॉफी बहुत फेमस है, कॉफ़ीज नहीं है तो उसके पास मेनू में तो काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस हुई है, तो वही चीज़ है उसका। स्टारबक्स का इधर काफ़ी ब्रांच है, तो इधर भी एक ब्रांच है, उनको मिली है ब्रांच, अच्छी है। और इसकी कॉफ़ी एक बार, सही में एक बार ज़िंदगी में टेस्ट करना चाहिए, बहुत बहुत टेस्टी आती है और बहुत मस्त। यह चीज़ है, थोड़ी महंगी तो लगती है, पर ठीक है, घूमने निकले हैं तो वो देखा नहीं जाता कि क्या महंगा क्या सस्ता,
लेकिन एक बार टेस्ट तो ज़रूर करने का मन करता है, कर लेते हैं। लोग आते हैं इधर स्पेशल कॉफ़ी पीने के लिए ही आते हैं। ये आप देखिए बिल्डिंग है, ये डोर्स हैं, और दूसरी बात इधर के परफ्यूम्स भी काफ़ी फेमस हैं। परफ्यूमर जो परफ्यूम्स है, सेंट है, मतलब कपड़े पे लगाया जाता है, कपड़े के लिए नहीं, जो रूम स्प्रे जैसे करते हैं, रूम फ्रेशनर करते हैं, उस हिसाब से इधर परफ्यूम यूज़ होता है जो कोयले पे डाल देते हैं तो चलता रहता है और जलता रहता है और अच्छी सी स्मेल आती है। और काफ़ी इधर के परफ्यूम महंगे भी हैं और साथ साथ में बहुत अच्छे हैं स्मेल के। आपको जैसी नया कोई चीज़ नहीं है ऐसे परफ्यूम जो कभी शायद आपने देखे होंगे, सुनगे होंगे, उस टाइप के परफ्यूम। ये देखिए चीज़ है, पूरा हेरिटेज है, बिल्डिंग तो सारी हेरिटेज ही है। अगली पपोती वाली बिल्डिंग है, बनाया ऐसा लुक है। और ये जो है ये पूरा होटल है, होटल है, समुंदर में ही है, होटल बना हुआ है। ना बॉम्बे का एक जगह है चौकीदानी, आप चौकीदानी है, वही नाम से एक होटल बना हुआ है इधर, देख रहे हैं पूरा एंट्री गेट है इसका। ये राजस्थानी दो लोग हैं, दो भाई हैं, जो यहाँ रात को मतलब इवेंट करती है, यहाँ वो कौड़ी है, उस कौड़ी से तो खेलते भी हैं। तो उस हिसाब से पूरा बना हुआ है चौकीदानी। और इधर एक स्टेचू है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये स्टेचू है, महाराणा प्रताप का स्टेचू है। प्रताप जी जो है वो हाथी पे विराजमान है अभी, मावत चला रहा है। इस टाइप का स्टेचू है, मतलब अपना इंडियन कल्चर को भी इधर जगह दी गई है, सिर्फ उधर के कल्चर नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ के कल्चर को इधर जगह मिली है और देते हैं और इम्पोर्टेंस भी देते हैं। दुबई जो है हर कंट्री को वेलकम करता है और हर कंट्री के कल्चर को, उसके लोगों को बहुत अच्छे से रखता भी है। ये देखिए ये पूरा मार्केट ही है, मार्केट में पूरा हैंडमेड चीज़ें ज़्यादातर मिलती हैं। अब आया है बाकी लेडीज़ों का है, ये जो गालीचे हैं, तकिए हैं, तकिए भी हैंडमेड होते हैं, तकिए भी हैंडमेड। पूरा हमारा जो दादा दादी जो वर्क करती थी हैंडमेड, पूरा ऊन वो सब से वैसी चीज़ें इधर मिल जाएंगी आपको। एक शॉप में इधर कैमरा अलाउ नहीं था, जो रिटर्न चलना पड़ा, वरना इधर भी काफ़ी चीज़ें थी। और ये देखिए ये चीज़ जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत, तो यदि घर में लगाओ तो आपकी नज़र उससे हटेगी नहीं। मैं मानता हूँ कि आपकी नज़र उससे हटेगी नहीं, इतनी खूबसूरत बनी हुई, पूरा हैंडमेड है, काफ़ी महंगी है। मैंने प्राइस पूछी थी उसकी, तकरीबन इंडिया के 20,000 का एक फ्रेम है ये पूरा, वो जो क्या बोलते हैं तार से बनी हुई है पूरी चीज़, तो काफ़ी महंगी है और वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, बहुत अच्छी है। अब ये देखिए ये पूरी टैक्सी है, इधर की टैक्सी है, इस टाइप की टैक्सी इधर चलती है, मतलब अलसिफ जो इधर टैक्सी, मतलब रोड वाली टैक्सी नहीं है, ये अलसिफ एरिया है उसकी टैक्सी है, और जो रोड वाली टैक्सी है उधर का ये पिकअप एंड ड्रॉप का स्टैंड है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कार है, टैक्सी है, क्योंकि इधर जो बगल में है ये साइड आपके राइट साइड में पूरा होटल्स है, जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं और स्टे करते हैं, पूरा होटल्स होटल से उसके पीछे पूरा होटल्स। ये मिडल आ गए हम, अभी अलसिफ के मिडल में आ गए हैं, जब ये इतना हम चले उतना ही अलसिफ में आगे अभी जाना है। ये मिडल में यहाँ पे हमको टैक्सी स्टैंड है, सारी टैक्सी आती है, देखो टैक्सी आई है इस टाइप से, टोयोटा कंपनी की टैक्सी चलती है इधर, हर कम टैक्सी है ज़्यादातर, 90% टोयोटा कंपनी का ही है। और ये देखिए अभी कोरोना का
माहौल नहीं है, फिर भी इधर इंस्ट्रक्शन डाली हुई है कि मास्क लगाइए, 1 मीटर की दूरी रखिए सब है। और ये देखिए ये मशीन है पूरा ऑटोमेटिकली है, वाटर बॉटल भरने के लिए। यदि आपके पास बॉटल है तो आप नीचे इस नल के नीचे बॉटल रखेंगे और एक सेंसर है जहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉटल पानी से भर जाएगी, और जैसे ही हाथ हटा देंगे आपके बॉटल पानी रुक जाएगा। तो ऐसा मशीन है जो टेक्नोलॉजी में है, टेक्नोलॉजी में दुबई कहा जाए तो 1 नंबर है, बहुत आगे हैं।